अस्सलाम वालेकुम ग्रेट सेवन, आज हम लोगों का ये एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो मैंने सोचा था कि आप लोगों का हार्ट का टेस्ट हो जाए, जो हार्ट की एनाटॉमी का टेस्ट हो जाए, तो उसके बाद मैं वेसल्स पढ़ाऊँगी, ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स। लेकिन फिर टेस्ट नहीं हो पाया, दो दिन हमारे जो वीकली जो हमारी दो लेक्चर्स हैं वो स्किप हो चुके हैं ईद की वजह से, और एक पीछे आया था। ठीक है, तो अब ये है कि मुझे आप लोगों को फिनिश करवाना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों की जो स्पीड होगी आज ज़रा तेज़ होगी। मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ओपन योर बुक्स एंड पुट योर पेंसिल्स ऑन द सेंटेंस। ठीक है, जो भी मैं स्टेटमेंट पढ़ी हूँ आप लोगों की पेंसिल उस पर होनी चाहिए। व्हेन द ब्लड लीव्स द हार्ट इट इज़ अंडर प्रेशर। द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स पुशेस द ब्लड अलॉन्ग द आर्टरीज। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। आर्टरीज जो होती हैं उनका काम होता है कि वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ठीक है, बिकॉज द ब्लड इज़ अंडर प्रेशर द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज हैव टू बी थिक। वैन यू फील योर पल्स यू आर फीलिंग दिस प्रेशर। ऑल ऑफ द आर्टरीज कैरी ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड, कैरिंग ऑक्सीजन एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कह रहे हैं जो ब्लड जो आर्टरीज़ में मूव कर रहा होता है वो प्रेशर के अंडर मूव कर रहा होता है, वो बहुत हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उसका, बहुत तेज़ होते हैं वो, उसके प्रेशर बहुत तेज़ होता है, और इसकी वजह से आर्टरीज़ जो हैं आपकी थिक होती हैं, और आर्टरीज़ आपका ये काम करती हैं कि वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं आपके ब्लड को। ठीक है, जब आप अपनी पल्स फील करते हो, जब आप अपनी नब्स को महसूस करते हो, तो आप प्रेशर महसूस कर रहे होते हो उस टाइम, जो ब्लड प्रेशर होता है आपकी आर्टरीज़ में से। ठीक है, सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड जो होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। लेकिन एक वाहिद आपकी बॉडी में आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, और हार्ट से लंग्स यानी हार्ट से दूर लेके जाती है, लंग्स की तरफ या बॉडी की तरफ। व्हेन द ब्लड रीचेज द सेल इट हैज़ स्लोड डाउन। जब आपके सेल्स में ब्लड पहुंचता है तो थोड़ी उसकी रफ्तार कम हो चुकी होती है। इफ़ इट डिड नॉट डू सो द ब्लड वुड नॉट हैव टाइम टू गिव अप फूड एंड ऑक्सीजन, नॉर वुड इट बी एबल टू एब्जॉर्ब द वेस्ट केमिकल्स प्रोड्यूस बाय द सेल्स। द ब्लड ऑल्सो नीड्स टू स्प्रेड आउट सो दैट इट कैन रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये तो आपको पता है कि अगर वो इतनी तेज़ रफ्तार से ही चलता रहे, सेल के दरमियान में रुके ना, तो वो गैशियस एक्सचेंज या वो जो न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज है वो सब कुछ नहीं हो सकेगा। ठीक है, आपकी जो ब्लड और आपकी जो वेस्ट केमिकल्स हैं जो आपके सेल प्रोड्यूस करता है वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ब्लड जो है उसको स्प्रेड आउट होने की ज़रूरत है, उसको फैलने की, आपकी बॉडी में फैलने की ज़रूरत है, और उसको हर एक बॉडी के टिश्यू के एक एक सेल तक पहुँचना है। फॉर दीज रीज़न द थिक वॉल आर्टरीज स्प्लिट अप इंटू मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लड कैपिलरीज इन द टिश्यू। अब ये जो आर्टरीज़ हैं वो छोटी हो जाती हैं और वो कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब जो ब्लड वेसल्स हैं ये वन सेल थिक होती हैं, इनकी सिर्फ वन सेल थिक कवरिंग होती है। ठीक है, दिस मेक्स इट कवरिंग नहीं, मतलब वो खुद वन सेल थिक होती हैं। दिस मेक्स इट ईजी फॉर द डिजॉल्व फूड ऑक्सीजन अदर सब्सटेंसेज टू पास आउट द ब्लड एंड फॉर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू गो इन टू द ब्लड, और एक्सचेंज आराम से हो सकता है। एक्सचेंज का मतलब फूड एक्सचेंज हो रहा है, वेस्ट एक्सचेंज हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एज द ब्लड लीव्स द टिश्यू द कैपिलरीज ज्वाइन अप अगेन टू फॉर्म वेन्स। अब आर्टरीज से कैपिलरीज बनी थी, कैपिलरीज से अब वापस वेन बनेगी, वेन कैपिलरीज से बड़ी होती है। ठीक है, वेन्स जो हैं जिस तरह आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जाती हैं, वेन हार्ट के करीब लेके जाती हैं, ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती हैं। ऑल ऑफ द वेन्स कैरी ब्लड विच हैज़ गिवन अप इट्स ऑक्सीजन। अब ये सारी डीऑक्सीजनेटेड हैं। ठीक है, हार्ट ने इनको भेजना है लंग्स की तरफ, तो ये जाहिर है पहले हार्ट से होके जाएंगी, वेन जो है इनको हार्ट की तरफ पहुंचाएगी पहले। द वॉल्स ऑफ वेन्स आर नॉट एज थिक, यहाँ से पढ़ रही हूँ, बल्कि एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन वाहिद, जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन था, इसी तरीके से पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट की तरफ। ठीक है, द वॉल्स ऑफ वेन्स आर नॉट एज थिक और मस्कुलर एज दोज ऑफ द आर्टरीज।
आपकी जो वीन्स की वॉल है वो इतनी थिक और मस्कुलर नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, एज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर. और क्योंकि इनमें प्रेशर नहीं होता इसलिए इनको थिक होने की ज़रूरत नहीं है. दिस लैक ऑफ प्रेशर मीन्स दैट यू कैन नॉट फील अ पल्स इन योर वीन्स. आप हमेशा पल्स अपनी आर्टरी में फील करते हैं, अपनी वेन में नहीं करते. इफ़ देर इज़ नो प्रेशर इन द वेन्स, हाउ डज द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट. अभी देखें, अगर कोई प्रेशर नहीं है वेन में तो ब्लड क्या चीज़, ऐसी कौन सी ऐसी मोटिवेटिंग फोर्स है जो वेन से ब्लड, वेन के थ्रू ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही है. दरमियान में रुक भी तो सकता है, पीछे भी तो जा सकता है. परहैप्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ योर टोज और द एंड्स ऑफ योर फिंगर्स. आपके आपकी उंगलियों के जो पोरा कहते हैं आई गेस, उससे और आपके ये जो छोटी उंगलियां होती हैं पाँव की जो उंगलियां होती हैं वहाँ से भी आपका वेन्स के थ्रू ब्लड जा रहा होता है हार्ट में, तो कौन सी ऐसी मोटिवेटिंग फोर्स है, कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है उसके बारे में बताएंगे. द वॉल्स ऑफ वेन्स आर नॉट एज थिक और मस्कुलर एज दोज ऑफ आर्टरीज एज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर. ये तो मैंने पढ़ लिया है, यहाँ से पढ़ रही हूँ. The answer is that the flow of blood through the veins relies upon the squeezing action of the body muscles, particularly those in the limbs, rather than the pumping action of the heart. Veins में एक squeezing action है, आपकी veins जो हैं वो squeeze होती रहती हैं, दबती रहती हैं, फिर खुलती हैं, फिर दबती हैं, contract होती हैं, relax होती हैं, इस तरह होती हैं, ठीक है. Rather than the pumping action of the heart. आपका हार्ट भी पंप करता है उसके अनलाइक. इन एडिशन वेन्स हैव वेल्स इन देम टू स्टॉप द ब्लड फ्लोइंग बैक. वेन्स के अंदर लाइक हार्ट वेल्स होती हैं जो कि आर्टरीज कैपिलरीज में नहीं प्रेजेंट. वेन की एक ख़ास बात यह कि वेल्व होती हैं इनके अंदर, और वेल्व का जो मेन काम है वो ये काम है कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, मतलब ब्लड को पीछे नहीं जाने देती. द डायग्राम्स ऑपोजिट शो यू हाउ. आपको ऑपोजिट डायग्राम से मैं दिखाती हूँ. ब्लड फ्लोइंग नॉर्मली टू द हार्ट इन अ वेन, द वेल्स आर प्रेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेन. अभी जिस तरीके से नीचे से ऊपर ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ऊपर जिस तरह एरो आप लोगों को शो कर रहा है वो आराम से आ जाएगा, लेकिन आप सोचें जब वो वापस नीचे आने लगेगा तो ये जो फ्लैप है ये बंद हो जाएगा, है ना. जब ये पीछे आएगा तो ये दरवाजे की तरफ बंद हो जाएगा, यानी ये वो वाला दरवाज़ा है जो सिर्फ एक जगह पे खुल, एक तरफ खुलता है, सिर्फ आगे की तरफ जाता है, पीछे नहीं आने देता ब्लड को. यहाँ पे देखें, ब्लड ट्राइंग टू फ्लो द रॉन्ग वे इन अ वेन, द ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द वेल्व, दिस कॉज द वेल्व टू फॉल एंड सो स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, अब इससे ये होता है कि जब ब्लड आपका पीछे आ भी रहा है तो उससे ये होगा कि ये जो फ्लैप है, ये जो दरवाज़ा है, ये जो एक पर्दा लगा हुआ है वो बंद हो जाएगा, और वो जब बंद होगा तो इसका मतलब फिर वो आगे ही धक्का देगा उस ब्लड को कि आगे ही जाओ, पीछे नहीं आने देगा. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया बैक फ्लो. अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन हार्ट आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेन्स. आर्टरीज कैपिलरीज और वेन्स में क्या फ़र्क है, ज़रा जल्दी से पढ़ लेते हैं. कैरी आर्टरीज का पता है आप हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, कैपिलरीज वो हैं जो आर्टरी और वेन को लिंक करती है, वेन्स वो हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट की तरफ. ठीक है, आर्टरीज के अंदर थिक वॉल्स होती हैं, वेन्स के अंदर थिन वॉल्स, वेन्स के अंदर फेयरली थिक वॉल्स होती हैं विच कंटेन सम इलास्टिक फाइबर्स. ठीक है, मतलब फेयरली मतलब एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज कम थिक होती हैं, और आर्टरीज जो हैं उनके पास थिक वॉल्स ऑफ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. इलास्टिक फाइबर्स दोनों के पास हैं. वॉल्स आर वन सेल थिक, कैपिलरीज का आपको पता है. वेल्व्स प्रेजेंट ओनली वे आर्टरीज लीव द हार्ट, सिर्फ हार्ट को जब लीव करते हैं. अब ये आप लोगों का MCQ है और ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सी वाली वेल्व की बात हो रही है जो हार्ट में है और जो आखिरी मरहला है उसके आगे से आर्टरी शुरू हो जाती है, और आर्टरी में आपको पता है कोई वेल्व नहीं आता. ये कौन सी किस आर्टरी की बात हो रही है जो हार्ट में प्रेजेंट है, जो जिस ये कौन सा वाला वेल्व है जिसकी बात हो रही है जो हार्ट में आखिरी जहाँ से आर्टरी शुरू होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, कैपिलरीज में कोई वेल्व नहीं होता, वेन्स में वेल्व्स होते हैं. ठीक है, आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है इन पल्सेस, कैपिलरीज में ब्लड स्टेडिली फ्लो करता है, मतलब एक ख़ास रफ्तार से, एक कॉन्स्टेंट रफ्तार से ब्लड फ्लो स्टेडिली. वेन्स में भी यही है. आर्म्स में आर्टरीज में यह है कि अंडर हाई प्रेशर होता है कैपिलरीज प्रेशर चेंज हो जाता है. ठीक है, मतलब हाई प्रेशर से ज़रा थोड़ी जगह कम आती है तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे प्रेशर चेंज जाते हैं. और वेन्स में जो है वो लो प्रेशर है. आर्टरी में है ब्लड इज़ ब्राइट रेड एंड कंटेन्स ऑक्सीजन,
वेन्स में देखें ब्लड इज़ डल रेड, वहाँ ब्राइट रेड यहाँ डल रेड, एंड कंटेन्स वेरी लिटिल ऑक्सीजन, और बहुत कम ऑक्सीजन होती है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसीलिए हार्ट की तरफ जा रहा होता है ताकि वो लंग्स में जाए और उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। कैपिलरीज एंड ब्लड इज़ लूजिंग ऑक्सीजन एंड गेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली। आपको दिखा दिए इसकी डायग्राम, ये आराम से आपको समझ आ जाएगी। व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड समझते हैं ब्लड क्या है। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट कंटेन्स अबाउट 5 liters ऑफ ब्लड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ब्लड इज़ नॉट जस्ट अ रेड कलर्ड लिक्विड, ब्लड इज़ अ लिविंग टिश्यू एंड जस्ट वन ड्रॉप ऑफ इट मे कंटेन अबाउट 5 million सेल्स। इन फैक्ट ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ऑल फ्लोटिंग इन अ येलो वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। अब देखें ब्लड की, ब्लड सिर्फ आप लोगों को रेड कलर का एक लिक्विड नज़र आता है, असल में ये है नहीं, ठीक है। जो असल में ये है, ये एक, ये प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना है, ठीक है, दो चीज़ों से बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। अब ब्लड सेल में 3 किस्म के ब्लड सेल्स हम पढ़ेंगे मेजर, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा के बारे में है कि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड है येलो कलर का, ठीक है। और ये आपको बता दिया है 5 liters ऑफ ब्लड आपके एडल्ट बॉडी में होता है और इसका जो कलर है वो रेड है वगैरह, ये बातें आप लोगों को पता है। आगे चलते हैं, रेड ब्लड सेल क्या है। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द बॉडी आर रेड ब्लड सेल्स, ईच ऑफ दिस इज़ राउंड विद बोथ सरफेस हॉलोड आउट अ शेप कॉल्ड अ बाइकनकेव डिस्क। मैंने आप लोगों को, मेरा ख्याल है मैं बना के दिखा दूंगी आप लोगों को बाइकनकेव डिस्क, इस तरीके से आपको यहाँ समझ नहीं आएगी। इससे बेहतर ये है कि आप इंटरनेट पे ज़रा सर्च कर लें ये शेप क्या होती है। डोनट शेप्ड होती है और दरमियान में से जो है ना इसमें वो नहीं होता, होल नहीं होता, जिस तरह डोनट में होल होता है इसमें होल नहीं होता, दबी होती है, दरमियान से दबी होती है, कोनों में से मोटी होती है, इस तरह की शेप है बाइकनकेव डिस्क। आप इंटरनेट पे पिक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। द रेड कलर इज़ कॉज बाय अ केमिकल कॉल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वो केमिकल है जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट है, प्रोटीन कम्बाइंड विद आयरन है, ये प्रोटीन है, इसके अंदर आयरन होता है, इट इज़ व्हाट लेट्स द रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है। रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, विच मीन्स दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 100 days, इनका 100 days होते हैं, वैसे यूजली 120 days होते हैं, 4 months बनते हैं, लेकिन यहाँ 100 बताया हुआ है। द डेड सेल्स आर ब्रोकन अप इन द लिवर, डेड सेल जो हैं वो लिवर इनको ख़त्म करता है। अबाउट 200 million रेड ब्लड सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड एवरी डे, नाउ रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो, बोन मैरो में बनते हैं, लिवर में डिस्ट्रॉय होते हैं, विच फिल्स द सेंटर ऑफ द लार्जर बोन, आपको पता है बोन्स के अंदर जो गूदा होता है उसको कहते हैं बोन मैरो। लाइक ऑल सेल्स रेड ब्लड सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन, का सेल मेम्ब्रेन भी होता है, बट द मेम्ब्रेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज़ इलास्टिक, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, दिस अलाउज द सेल टू चेंज शेप, शेप चेंज हो सकती है इसकी, इसीलिए ये जो ब्लड कैपिलरीज में से जब मूव करता है तो ये बेंड हो जाता है इन 1 millimeter cube ऑफ ब्लड, क्यूबिक मिलीमीटर बोलते हैं इसको, वैसे 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड देयर मे बी 5 million रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, 5 million रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 5 million रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेल में और 4 जो होते हैं वो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, 4 million रेड ब्लड सेल्स फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। The main job of the red blood cell is to transport oxygen from the lungs to every cell of the body. ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। White blood cells. There are several types of white blood cells. Each type has different shaped nucleus. And on average, a white blood cell is about twice as big as a red blood cell. White blood cell red blood cell से बड़ा है, ठीक है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा types हैं। As they have a nucleus, इनके अंदर nucleus होता है। वाइट ब्लड सेल्स कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनके ये काफ़ी बड़े टाइम के लिए ज़िंदा रहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, जिस तरीके से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड देर आर अबाउट 6000 वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, 6000 वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं 1 cubic millimeter में। वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, ये आपके डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया विच दे डिस्ट्रॉय बाई एनगल्फिंग दैम रैपिंग दमसेल्व्स अराउंड दैम, समझ आ गई, बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, मारते हैं वगैरह। आप बीमार होते हो तो आप तो बीमार होते हो, आपको नहीं पता होता आपकी बॉडी में ये लगे हुए होते हैं, ये एक आर्मी है हमारी बॉडी की, ठीक है, ये हमारी मिलिट्री है, मतलब ये दिफा करती है हमारा। Once this has happened, the white blood cell live only for a few days because they are poisoned. The red blood cells have captured. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये white blood cells bacteria को मारेंगे, वो bacteria भी मर जाएगा, ये भी मर जाएंगे, इनका काम ख़त्म हो गया ना,
ये मर जाएंगे, ठीक है। नए बनते रहेंगे लेकिन ये ना कुछ दिनों बाद मर जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि वो जो बैक्टीरिया पॉइजन रिलीज करेगा उसी से मर जाएंगे, बैक्टीरिया भी मर गया ये भी मर गए, ठीक है। इस तरीके से होता है, और यूजुअली ऐसा होता है कि आपको अपनी वूंड्स में फील होता है, अपनी जख्मों में फील होता है कि वाइट कलर का एक लिक्विड पस जिसको आप कहते हैं, वो ये वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। येलो पस विच कम्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड वाउंड इज डेड वाइल्ड ब्लड सेल्स दैट हैव बीन पॉइजन्ड बाय द बैक्टीरिया दैट कॉज द इन्फेक्शन। आपको येलो कलर का जो पस निकलता है जगह जगह से अपने जख्म से वगैरह, तो वो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया से लड़ लड़ के ख़त्म हो चुके होते हैं और अब वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के बारे में समझना ज़रा थोड़ा सा ज़रूरी है, इसके बारे में मैं MCQ बना के दे सकती हूँ, इसलिए ज़रा गौर से ये लेक्चर सुनिएगा। एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें हैं, ये वो बॉडीज़ हैं आप समझें, कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिम्यूलस दैट एंटर्स योर बॉडी। आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी बॉडी को फील हुआ ना कि कोई गड़बड़ हुई है, कोई चीज़ आपकी बॉडी में एंटर हुई है, कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बाहर फॉरेन पार्टिकल समझते हैं ना आप, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। कोई फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर एंटर हुआ है, वो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडी वो बॉडी होती है जो उस फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म करती है, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी तब तक के लिए नहीं बनती जब तक के लिए फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर नहीं होता, ठीक है। कुछ होती हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, कुछ होती हैं जो आपकी बॉडी में तभी बनती हैं जब जो है फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है। These kill germs and change the poisonous chemicals produced by germs into harmless substances. वही वाली काम करते हैं, डिफेंस में काम आते हैं। सम एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द ब्लड फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स आफ्टर दे हैव हेल्प यू रिकवर फ्रॉम अ डिजीज़। अब आप एक बीमारी से सेहत याब हुए तो ये एंटीबॉडी ज़रूरी नहीं है कि मर जाएँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये मंथ्स और ईयर्स तक रहें आपके साथ। While they are there, they help you to stop catching the disease again. और इनका ये काम होता है कि ये मेमोरी सेल्स में जाके एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं कि ये बीमारी इस बच्चे को लग चुकी थी, या इस बच्ची को, या इस लड़की को, या इस खातून को, या बूढ़े को, जो भी है, ठीक है, उसको लग चुकी है, अब ये उसको नहीं लगेगी, क्योंकि मतलब वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, अब जब भी वो फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा वो उसको ख़त्म कर देगी, अनलेस के वो फॉरेन पार्टिकल एक नए सूरत में बन कर आए, ज़रा पावरफुल होके आए, ठीक है। तो ये मेमोरी रिस्टोर करती हैं। प्लेटलेट्स पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स। पहली बात, ये सेल्स ब्लड सेल्स नहीं हैं, ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं, ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं सेल के, ठीक है। ये पूरे ये एज अ कम्प्लीट सेल कंसिडर नहीं होते, और ये भी बोन मैरो में बनते हैं। देर आर अबाउट 250,000 प्लेटलेट्स एंड 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड। ईच प्लेटलेट हैज़ अ स्टिकी मेम्ब्रेन बट नो न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस नहीं होता रेड ब्लड सेल की तरह, और ये स्टिकी मेम्ब्रेन करते हैं, इनकी स्टिकी मेम्ब्रेन होती है। प्लेटलेट्स हेल्प टू सील वाउंड्स, और इनका एक काम है आपके ज़ख्म को क्लोट करते हैं। क्लोटिंग कहते हैं आपके ज़ख्म को ज़ख्म का जम जाना, इस कॉल्ड क्लोटिंग, ठीक है, या आपके ब्लड को क्लॉट करते हैं। क्लोटिंग इज़ वेन द ब्लड गोज सॉलिड नियर द वाउंड, मतलब सॉलिड हो जाता है जब आपका ब्लड एक जगह जम जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोटिंग। और ये समझें कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, ये प्लेटलेट्स की शक्ल में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी हुई है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं, जिस तरीके से हीमोफीलिया एक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ ये होता है कि उनको एक पेपर कट भी लगे ना, उनका उंगली पर जिस तरीके से एक आम सा कट लगता है ना आपको, पेपर से लग जाए या नोट से लग जाए या कहीं से भी लग जाए, उनको कट भी लगता है ना, उससे भी उनकी डेथ हो जाती है कि उनके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होते, वो ब्लड रुकता नहीं है, वो बहता रहता है, और एक दिन उनकी और उसी टाइम उनकी मतलब उनकी ना फौरन डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी वो दी भी। और आपने आपको पता है कि ये कौन सी बीमारी है, डेंगी। डेंगी फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, पता है ना आप लोगों को। अच्छा, प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड, नहीं सॉरी मेरी बात सुने, जो आपकी जो डायबिटीज़ है ना उसमें आपके प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाते हैं,
मतलब कम होना शुरू हो जाते हैं, आपकी प्लेटलेट की जो अमाउंट होती है आपकी बॉडी में वो कम होना शुरू हो जाती है। और इस तरीके से जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनको शुगर होती है, उनके ज़ख्म जो है वो जल्दी भरते नहीं हैं, ख़राब हो जाता है उनका ज़ख़म, इसलिए क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं होता, उनका खून रुकता नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है, उनके ज़ख़म ख़राब हो जाते हैं। मेरा ख्याल है डेंगू में, मेरा ख्याल है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी अमाउंट कम होती है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। खैर दैट इज़ नॉट आवर टॉपिक, अभी फ़िलहाल यही है, तो आप लोगों ने यही याद करना है। प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, हमने सेल्स डिस्कस कर लिए, ब्लड सेल्स डिस्कस कर लिए, अब हम करेंगे क्या चीज़ ऐसी है जो ब्लड को लिक्विड बना रही है। लिक्विड एक येलो कलर का लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो प्लाज्मा कहलाता है, रेड एंड वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोट इन इट, और ये जिसमें जो सेल बॉडीज़ हैं वो फ्लोट करती रहती हैं। प्लाज्मा इज़ वाटर विद अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड हैं, दीज इंक्लूड मैनी फूड केमिकल्स इंक्लूडिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिंस एंड मिनरल सॉल्ट्स। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन कैरीज हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स प्रोटीन है आपकी बॉडी जो बनाती है, ठीक है, कुछ मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जो स्टिमुलेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में, बॉडीज़ केमिकल मैसेंजर्स एज वेल एज़ वेस्ट केमिकल, ये सब चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। अभी आप लोगों को नहीं पता ये सब क्या हैं, आपको नहीं पता होगा कि अमीनो एसिड्स क्या हैं, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा कि हॉर्मोन्स क्या हैं, क्या बॉडीज़ केमिकल मैसेंजर क्या हैं, ये आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ें याद करनी है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द बॉडी बैक टू द लंग्स एंड अनदर वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। यूरिया जो है वो उसको भी ये कैरी करता है फ्रॉम लिवर टू द किडनीज़। किडनीज़ में ये क्यों जाता है यूरिया, क्योंकि हमारी यूरिन में होता है यूरिया, और यूरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब उसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है, मतलब वो वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, तो आप उसे अपनी यूरिन में किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट करते हो। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन सम ब्लड प्रोटीन्स, इनके अंदर ब्लड प्रोटीन्स भी हैं, जिस तरह फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड क्लॉटिंग का, जिस तरीके से प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन का एक ही काम है, ये बात याद रखिएगा, ये वाउंड को सील करती है, ठीक है। अदर ब्लड प्रोटीन्स ऑल्सो इंक्लूड एंटीबॉडीज मेंशन अबव विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अप अगेंस्ट जीन अगेंस्ट जर्म्स। व्हेन ब्लड इज स्पन रैपिडली इन अ मशीन कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगल, द सेल्स एंड प्लेटलेट्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, द पेल येलो प्लाज्मा कैन देन बी सीन क्लियरली। ज़्यादा नहीं सोचिएगा सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, एक मशीन में आप इसको डालते हैं, ठीक है, उससे ना ये इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो चेंज वो ना डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, सेल बॉडीज़ जो हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं और आपको प्लाज्मा ऊपर येलो कलर का नज़र आ रहा होता है, इसलिए हमने कहा है कि ये येलो कलर का होता है। अच्छा, डिजीज़ ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब हम देखते हैं ये क्या है। Diseases of blood circulatory system kills more people than any other disease, but the number of disease deaths is generally is gradually decreasing because of modern discoveries regarding the causes, prevention and treatment of these diseases. गपशप, अब जरा हम नीचे पढ़ते हैं ये diseases क्या हैं। Anemia आपको पता है, अच्छा पढ़ लेते हैं हम क्या है। Anemia is quite common and happens when there is not enough iron in a person's diet. अब याद करें हमने बोला था hemoglobin में iron present है, जब आपकी डाइट में आयरन नहीं होता, जब पर्सन की डाइट में आयरन नहीं होता तो उसको एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। यू मे रिमेंबर दैट आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिस तरह मैंने अभी बोला ऑक्सीजन कैरिंग वो बनाता है, हीमोग्लोबिन को वो बनाता ही ऑक्सीजन कैरिंग, इसलिए क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है। एनीमिया इज ट्रीटेड विद टेबलेट्स कंटेनिंग आयरन सॉल्ट्स, आयरन सॉल्ट्स इनको दी जाती हैं, टेबलेट्स दी जाती हैं। अच्छा खैर ये बात ज़रा याद रखें कि आयरन का एनीमिया से और आयरन का ऑक्सीजन कैरिंग से क्या वो है, ब्लड के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, आयरन ज़रूरी है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करता है और वो कैरी कराता है। अब जब ऑक्सीजन, अब उसके अंदर आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन वो अटैच नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो बंदे के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसी ऑक्सीजन की उसकी कमी होगी तो आप सोच लेंगे फिर उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। तो ये एनीमिया है, इसको कहते हैं एनीमिया। हीमोफीलिया, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रही थी। हीमोफीलिया इज़ अ डिज़ीज़ दैट कैन बी पास्ड ऑन बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, ये जेनेटल डिजीज़ है, ये जेनेटिक डिजीज़ है, सॉरी जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, और ये जो है वो पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रन को मिलती है, मतलब अपनी यूजुअली ये होता है कि आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है, ठीक है।
A hemophiliac cannot make the chemicals needed to make the blood clot and heal wounds. वही जिस तरीके से मैंने बोला पेपर कट भी होता है, खून निकलता है और इसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, उनको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती. एंड इवन अ स्मॉल कट और स्क्रैच कैन बी ब्लीड डेंजरसली अनलेस मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन अर्जेंटली. और उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है वरना वो बंदा मर जाता है ब्लड की वो रिलीज की वजह से. थ्रोम्बोसिस इज अ क्लॉट और लंप ऑफ. अच्छा ये जो है ना आपकी ब्लड वेसल का इशू है, यूजुअली ये ब्लड वेसल्स में होता है. तो ये असल में होता ये है कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन जाता है, एक लंप बन जाता है, एक मास बन जाता है और वो आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है. मेरे ये स्टेटमेंट्स, मेरे जो ये टर्म्स हैं आप लोग ज़रा समझें. कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रास्ता रोक देना, ब्लड वेसल्स में ब्लड पास नहीं कर पा रहा होता क्योंकि आगे उसको एक रिस्ट्रिक्शन मिल रही होती है, कंस्ट्रिक्शन मिल रही होती है, एक रेजिस्टेंस मिल रही होती है उस मास की वजह से. वो उसकी एक हिंड्रेंस होती है या आप समझ लें रुकावट होती है, ठीक है. और इफ़ अ थ्रोम्बस गेट स्टक इन अ ब्लड वेसल्स इट विल स्टॉप द ब्लड फ्लो. इस तरीके से ब्लड फ्लो ख़त्म हो जाता है और वो जगह आपकी जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगी या इस तरीके से आपको सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि वहाँ पर आपका ब्लड नहीं जा पा रहा. थ्रोम्बोसिस इन द ब्रेन कट्स डाउन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. ब्लड ब्रेन के अंदर भी थ्रोम्बोसिस होता है और इससे ये होता है कि आपके ब्रेन तक में ब्लड नहीं जाता. दिस लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द ब्रेन सेल्स. ऑब्वियस बात है जहाँ ब्लड जाता है वहाँ ऑक्सीजन जाती है, तो जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी ब्रेन सेल्स को. दिस इज़ वट हैपन्स इन अ स्ट्रोक विच कैन किल और कॉज ब्रेन डैमेज. ब्रेन डैमेज हो सकता है या फिर उससे डेथ हो सकती है. The coronary arteries of the heart may be blocked or made narrower when fat collects in their walls. Coronary arteries वो arteries हैं जो आपके heart को मुसलसल blood supply कर रही हो, मतलब heart को मुसलसल blood में blood दे रही होती हैं, ठीक है. मतलब आप समझें कि ये कोरोनरी का मतलब ये है कि वैसे तो हार्ट की तरफ तो हर जगह से ब्लड आ रहा है लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से आ रहा है. ये सिर्फ हार्ट के अपने पर्सनल पर्पस के लिए देती हैं, ठीक है. अच्छा फैट कले, अच्छा कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट कैन बी ब्लॉक्ड और मेड नैरोअर व्हेन फैट कलेक्ट्स इन देयर वॉल्स. अब इनमें फैट कलेक्ट हो रहा है तो ये ब्लॉक हो सकती हैं या नैरो हो सकती हैं. थ्रोम्बोसिस इन दीज वेसल्स स्टॉप ऑक्सीजन गेटिंग टू द हार्ट मसल. अब थ्रोम्बोसिस होगा अगर इनमें तो हार्ट मसल में ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन नहीं जाएगी क्योंकि उनमें ब्लड नहीं जाएगा. सो द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली. तो आपका हार्ट पर काम करना बंद कर देता है. अ पर्सन सफर्स पेन इन द चेस्ट और हार्ट मे स्टॉप बीटिंग. आपका दिल बंद हो सकता है, ठीक है. दिस इज़ अ हार्ट अटैक और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं या फिर हार्ट अटैक बोलते हैं. हार्ट अटैक का दूसरा नाम है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. ओबीज और ओवरवेट पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर और टोबैको स्मोकर्स आर मोर लाइकली टू हैव हार्ट अटैक्स देन पीपल ऑफ एवरेज वेट. ओबीज कहते हैं जो लोग मोटापे की तरफ गामजन होते हैं वो उनको कहते हैं, ठीक है, जो मोटे लोग हैं यानी जो ओवरवेट हैं, जो ओवर ईटिंग की वजह से ओबीज हैं, ठीक है, तो उनका. और जिनका हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है और जो टोबैको स्मोकर्स हैं ख़ास तौर पे जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो उनको हार्ट अटैक्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं. द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक इज़ द बिल्डिंग अप ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द आर्टरीज. अब हमने कहा फैट एक्युमुलेट होता है, वो कौन सा फैट है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल. दिस मेक्स द आर्टरीज नरवर और इवेंचुअली क्लॉक्स देम अप ऑल टुगेदर. उनको क्लॉक कर देता है, मतलब उनको रुकावट डाल देता है. कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई द हार्ट मसल्स विद फूड एंड ऑक्सीजन. फूड और ऑक्सीजन देती हैं हार्ट मसल्स को, मैंने अभी आपको बताया. इफ़ कोलेस्ट्रॉल क्लॉक्स द कोरोनरी आर्टरीज द हार्ट में बिकम वीकर एंड स्टॉप बीटिंग. अब कोरोनरी आर्टरीज में अगर क्लॉग आ जाए कोलेस्ट्रॉल का तो क्या होगा कि हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा और बीट करना बंद कर देगा. तो इसको कहते हैं हार्ट फेलियर और इससे फौरन डेथ हो जाती है. वेरिकोज वेन्स आर कॉज व्हेन द वेरिकोज वेन्स एक डिजीज़ है, ठीक है, ये कोई किसी किस्म की वेन्स नहीं है, ये डिजीज़ का नेम है. आर कॉज्ड व्हेन द वेल्स इन द वेन्स ऑफ द लेग्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली. वेन्स के अंदर वेल्स होती हैं आपको पता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं. अब ये काम करना छोड़ देती हैं स्पेशली जो आपकी टांगों में होती हैं. द वेन्स स्वेल एंड बिकम वेरिकोज वेन्स. ये स्वेल हो जाती हैं, सिर्फ पिक्चर में दिखा रहे हैं, और ये ना वेरिकोज वेन्स इनको कहते हैं, ठीक है. इन बैड केसेस अ वेन मे हैव टू बी टेकन आउट ऑफ द लंग. और इस केस में आपकी वेन काटनी पड़ जाती है. अदर हेल्दी वेन्स आर देन जॉइंड अप बाय द सर्जन टू कैरी ब्लड अप द लेग. और आप ही के अंदर से एक और एक वेन निकाली जाती है जो उसको सब्स्टिट्यूट करती है.
लीकिंग ऑफ हार्ट वेल्स, अब देखें हार्ट वेल्स अगर लीक करना शुरू हो जाएँ तो क्या होता है, अकर्स व्हेन द वेल्स ऑफ द हार्ट डू नॉट शट प्रॉपरली, मतलब पार्शियल क्लोज होते हैं, मतलब कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते, एंड इट इज़ अनएबल टू वर्क एफिशेंटली, समटाइम्स अ फॉल्टी वेल्व कैन बी रिप्लेस विद एन आर्टिफिशियल वेल्व, आपको पता है कि आर्टिफिशियल वेल्व लगाया जा सकता है, दिस इन्वॉल्व्स ओपनिंग अप द हार्ट, और इससे हार्ट खुलता है, हार्ट लंग मशीन इज यूज टू पम्प द ब्लड एंड ब्रीथ फॉर द पेशेंट्स वाइल द ऑपरेशन इज कैरीड आउट, अब ऑपरेशन हो रहा है, एक हार्ट लंग मशीन आपको दी जाती है ताकि आप जो इंसान है वो बार बार रिस्पायर कर सके और उसका हार्ट चलता रहे, ठीक है, तो ब्रीदिंग के लिए द हार्ट लंग मशीन डज द वर्क ऑफ बोथ हार्ट एंड लंग्स अंटिल द ऑपरेशन इज़ फिनिश्ड, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है तो उसमें जाहिर है अब बंदे को खोल के उसका हार्ट दिल बंद कर देंगे और दिल में एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो दिल बंद हो गया तो एक दफ़ा भी बंद हो गया तो फिर तो नहीं खुलना, तो जब वो दिल को अगर उन्हें बंद करना है तो उसकी जगह कोई सब्सटीट्यूट लेंगे देंगे और वो सब्सटीट्यूट ये मशीन होती है, ठीक है। फॉल्टी पेस मेकर, पेस मेकर कहते हैं उस चीज़ को, उस हिस्से को आपके हार्ट के जो के बीट बनाता है, हार्ट बीट बनाता है, बस आप लोग अपने लेवल पे समझ लें कि आपका हार्ट बीट करता है ना, जो बीट बनाने वाला है उसको पेस मेकर कहते हैं, फॉल्टी पेस मेकर। अब वो पेस मेकर अगर ख़राब हो जाए तो क्या होता है, फॉल्टी पेस मेकर इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट स्टॉप्स कीपिंग अ स्टेडी पल्स, द पेस मेकर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, आपको बताया कि राइट एट्रियम में पेस मेकर प्रेजेंट है, इसको ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है, दीज प्रोड्यूस अ स्मॉल पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी ये पल्स छोटी सी आप देखें इतना खूबसूरत, एक तो आपके न्यूरॉन्स में भी ये काम है कि वो एक इम्पल्स जनरेट करते हैं या इस तरीके से, और एक या आपकी बॉडी के अंदर देखें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कि कितनी 70 टाइम्स अ मिनट एक पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आपके पेस मेकर प्रोड्यूस करता है, दिस पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड्स थ्रू द हार्ट मसल्स और उनकी कंट्रैक्शन कराती है, टुडे अ पर्सन हु हैज़ अ फॉल्टी पेस मेकर कैन हैव अ स्मॉल आर्टिफिशियल पेस मेकर बना सकते हैं, बनाए जाते हैं, दैट इज़ फिटेड विद अ स्मॉल बैटरी इंसर्टेड अंडर द स्किन ऑफ द चेस्ट नियर द हार्ट, आपके चेस्ट में हार्ट के करीब एक बैटरी लगाई जाती है जो कि उस पेस मेकर को चला रही होती है, आर्टिफिशियल पेस मेकर को, आर्टिफिशियल पेस मेकर प्रोड्यूसेस पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच मेक्स द हार्ट बीट इन रिदम, अब वो आप बीट कराता है रिदम में, ठीक है। डायबिटीज़ जिसको शुगर बोलते हैं इज़ अ कंडीशन विच अकर्स व्हेन इनफ इंसुलिन इज़ नॉट प्रोड्यूस, इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, ठीक है, इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, एज वेल एज प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैनक्रियाज ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन, वही मैं सोच रही थी कि मैं आपको बताऊँ पूरा मेथड कि नहीं, आप लोगों के पास ये बताया हुआ है कि पैनक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वैसे वो बाकी डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इंसुलिन भी प्रोड्यूस करते हैं, दिस हेल्प्स टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज, आपके ग्लूकोज लेवल को ये काम को कंट्रोल करता है, सम पीपल डू नॉट मेक इनफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज इज नॉट स्टोर्ड इन देयर लिवर, इंस्टेड इट इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन, अब जरा एक दफ़ा समझ लें, अभी बता देती हूँ मैं आप लोगों को, तो थोड़ा सा इशू थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन आपकी बॉडी में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो रहा है क्योंकि बार बार आपकी बॉडी ग्लूकोज बना रही है, आपको पता है, ठीक है, खाना आप लोग खा रहे हो उससे आपको ग्लूकोज मिल रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज आपकी बॉडी बार बार बना रही है। अच्छा अब ये हो रहा है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता जा रहा है, अब उस ग्लूकोज लेवल को कम करना है, ठीक है, अगर ग्लूकोज आप समझ लें चीनी है, जिस तरह मतलब समझ लें मिठास, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, अब अगर इसकी लेवल ज़्यादा हो जाए ना तो डायबिटीज़ हो जाता है, अब आपकी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज के लेवल को कम करो, अब वो किसी तरह भी कम करो, लिवर में भेजो कहीं भी भेजो इसको, लेकिन कम करो, ठीक है, ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन स्टोर कर दो, लिवर में भेज दो, किसी भी काम के लिए को यूज़ कर लो, एनर्जी बनवा उसको तोड़ के ATP की फॉर्म में एनर्जी बनवा लो वगैरह वगैरह, ठीक है,
इंसुलिन जब नहीं सिक्रीट होता, पैनक्रियाज जब काम करना छोड़ देते हैं या किसी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या कोई भी इशू है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो जो है आपकी यूरिन में भी ग्लूकोज है, आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा ग्लूकोज है कि बस ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, ठीक है। अब वो सही होता है कि वो डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है वो पेशेंट, ठीक है। उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूको, डायबिटिक का मतलब है ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होना, इंसुलिन का लेवल कम है इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये पीपल, अब और यूरिन के थ्रू भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि यूरिन के थ्रू भी पास आउट हो रहा होता है। पीपल हु डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन हैव टू चेक देयर ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली। जिनको इंसुलिन जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते वो शुगर लेवल अपना देख रहे होते हैं कि कहीं उनको डायबिटीज़ तो नहीं हो गया। दिस डिज़ीज़ इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ और उनको यकीनन हो चुका होता है, डायबिटीज़ कहते हैं इसको। पर्सन विद डायबिटीज़ में फील वीक एंड स्लीपी एज देयर ब्लड शुगर लेवल चेंजेस। वो उनको वीक फील होता है, ठीक है, और स्लीपी फील, नींद आती है बहुत ज़्यादा। बिकॉज फैट्स एंड मसल्स प्रोटीन्स हैव टू बी यूज टू सप्लाई द ब्लड विद एनर्जी। और आपकी फैट और मसल प्रोटीन क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए काम कर रही होती हैं, द पर्सन लूजेज वेट, फौरन वेट लूज़ होता है एंड बिकम्स नोटिसेबली थिनर, और बहुत कम मतलब बहुत जल्दी उनका वेट लॉस होता है, यानी ये शुरू होने की निशानी होती है। डायबिटीज़ जैसे शुरू होता है ना, फौरन बंदे का वेट कम हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल बाई इंजेक्शंस और टैबलेट्स ऑफ इंसुलिन एंड कैन बी केयरफुल बाय अ केयरफुल कंट्रोल ऑफ डाइट। डाइट करनी पड़ती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और आपको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट रिजोर्ट फॉर पीपल विद हार्ट फेलियर वेयर ऑल अदर ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड। हार्ट ट्रांसप्लांट यानी एक डोनर का हार्ट रिसिपियंट में डालना, मतलब आपका हार्ट काम ना करे किसी बंदे का हार्ट काम करना बंद कर गया है, कोई और बंदा उसको हार्ट अपना ट्रांसप्लांट करा रहा है। वैसे इस तरह कोई करता तो नहीं है, हम डिजीज्ड पर्सन से ज़्यादातर लेते हैं, कोई बंदा चला मर गया हो और उसका हार्ट हम लेते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑर्गन्स कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स ऐसे हैं जो काम कर रहे होते हैं आपकी डेथ के बाद स्पेसिफिक टाइम इंटरवल तक, आपका हार्ट उधर से वो निकाल लिया जाता है और वो जो है किसी लिविंग रिसिपिएंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं द रिप्लेसमेंट हार्ट इज़ डोनेटेड बाय समवन हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, या फिर ऐसा होता है कि कोई बंदा ब्रेन डेड हो, मतलब उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया हो, तो ऑब्वियस बात है कि उसके मतलब ब्रेन डेड हो गया है तो उसका जो है वो हार्ट डोनेट करना होता है, डोनेट करना पड़ता है। ऑफन आफ्टर क्या लिखा हुआ है, एन एक्सीडेंट बट हु रिमेन्स ऑन लाइफ सपोर्ट मशीन। अब लाइफ सपोर्ट मशीन में एक बंदा, उसको हार्ट की वैसे ज़रूरत नहीं है तो उसको जो है वो उसका हार्ट आप वो ले लो, ठीक है, या फिर ऐसा है कि हार्ट आप उधर से उनसे ले सकते हो या फिर उसके बाद ब्रेन डेड लोगों से ले सकते हो। द न्यू हार्ट इज़ पैक्ड इन क्रश्ड आइस अंटिल इट इज़ नीडेड। क्रश्ड आइस में पैक किया जाता है इस हार्ट को। इन द मीन टाइम द हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू अ हार्ट लंग मशीन। जिसको ट्रांसप्लांट करना होता है उसको हार्ट लंग मशीन, वही वाली मशीन, ये वही मशीन है जो काम करी होती है एज ए सब्सटीट्यूट। दिस कलेक्ट्स द ब्लड बिफोर इट रीचेस द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेट्स इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपको मैंने बता भी दिया इसका क्या काम है। पेशेंट्स चेस्ट इज कट ओपन, न्यू हार्ट इज स्टिच्ड इन इट्स प्लेस, ठीक है। उसकी पूरी आपका जो ये जो चेस्ट कैविटी, चेस्ट का जो हिस्सा है आपका वो काटा जाता है और उसके बाद उसको खोला जाता है और उधर हार्ट आपका प्लेस किया जाता है। द ब्लड वेसल्स आर रिकनेक्टेड टू द हार्ट, वेसल्स कनेक्ट की जाती हैं हार्ट से एंड द न्यू हार्ट टेक्स ओवर इट्स जॉब ऑफ पंपिंग ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी। इट टेक्स अबाउट 6 months फॉर द पेशेंट टू रिकवर फुली। ये वही वाली बात है, घर की मोटर आपकी ख़राब हो गई है तो आप क्या करेंगे, नई मोटर आपने लगानी है, पुरानी वाली को मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, मेरा ख्याल है बाहर शायद निकाल देते हैं या फिर शायद पीछे ही रहने देते हैं या कुछ इस तरीके से, वैसे किडनी को पीछे रहने देते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको मेरा ख्याल है निकाल देते हैं या जो भी है, ठीक है। हमारा बस ये कंसर्न है कि उस नए वाले हार्ट को डालते हैं और जो पाइप्स होते हैं यानी जो ब्लड वेसल्स है उससे कनेक्ट किया जाता है और फिर वो सिस्टम सारा पंपिंग सिस्टम वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। Unfortunately, the blood body's immune system can detect and destroy any foreign material in the body. अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपके जो मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज़ के बारे में, मैंने अभी बताया था कि जैसे ही फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं कि ये कौन आ गया इसको मारो।
अब नया हार्ट आपके अंदर जा रहा है तो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ज़ाहिर है उनको तो है, वो तो है रहा है, मतलब बॉडी आपकी इतनी हैरान हो जाती है कि चलो एक बैक्टीरिया आ रहा हो तो कोई अलग बात है, माइक्रोब आ रहा हो तो अलग बात है, एक पूरा का पूरा हार्ट आ रहा है, नए टिश्यूज़ आ रहे हैं उसके, ये कौन सी चीज़ अंदर आ गया, तो वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं उसके अगेंस्ट। अब जैसे ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ उसको किल करना शुरू हो जाते हैं, उन टिश्यूज़ को मारना शुरू हो जाते हैं और वो हार्ट आपका काम नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि आपको पहले कंपेटिबिलिटी टेस्ट कराना पड़ता है, कि आप कंपेटिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि देखना पड़ता है कि कोई ऐसा हार्ट आपको दिया जाए जिस तरीके से ब्लड देने से पहले हम कंपेटिबल करते हैं कि ये ए पॉजिटिव को हम ए पॉजिटिव ही देंगे, बी पॉजिटिव नहीं देंगे, इस तरीके से ना, मतलब ठीक है, कंपेटिबिलिटी देखते हैं हम कि किसको हम दिया जा सकता है, किस में जाके ये ज़ाया नहीं होगा। देर आर नाउ ड्रग्स दैट रिड्यूस, एक मिनट, अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस द बॉडी ऑफन रिजेक्ट्स अ ट्रांसप्लांटेड हार्ट, देर आर नाउ ड्रग्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन रिजेक्शन, अब कुछ ऐसी ड्रग्स बन गई हैं जो रिजेक्शन कम करती हैं, बट द पेशेंट हैज़ टू टेक दैम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, एक दिन भी अगर उसने नहीं लिया उसी दिन वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई बस समझें कि वो जो नया ट्रांसप्लांटेड हार्ट है वो बेकार हो गया, ठीक है, तो वो पूरी ज़िंदगी वो आपको वो रिजेक्शन की जो रिजेक्शन कम करने वाली जो रिड्यूस करने वाली जो ड्रग्स हैं उनको लेना पड़ता है। ट्रांसप्लांटेशन लेंथन्स द लाइफ ऑफ समवन हु वुड अदरवाइज डाई, एंड अबाउट 80% ऑफ पेशेंट्स आर अलाइव 2 years आफ्टर द ऑपरेशन एंड 72% सर्वाइव फॉर 5 years, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक आप ज़िंदा रह सकते हो मज़ीद, और या फिर ऐसा होता है कि 80% जो हैं वो 2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, और 72% जो है वो उनका देखा गया है कि वो 5 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और इसके बाद ये नहीं है कि 5 साल के बाद आपने मरना ही मरना है, ऐसा हो सकता है कि आप नया हार्ट ट्रांसप्लांट करा लें, लेकिन ये अब कम ही होता है, ठीक है, तो वैसे पूरी ट्रांसप्लांटेशन ही कम होती है पाकिस्तान में, तो ख़ास तौर पर बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो ये है कि फिर उसके बाद मतलब आप नया ट्रांसप्लांट करा दें, फिर आप मज़ीद 5 साल ले लें, या उसके बाद एक नया ट्रांसप्लांट करा लें अगर आपको अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार है, ठीक है, तो फिर मज़ीद ये है कि आप लोगों का टेस्ट, आप लोगों का जो चैप्टर है वो एंड हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है, 5, 6 करना है, 4 और 7 नहीं करना है, इस पर क्रॉस लगा हुआ है, इसको आप पॉज करके यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप आंसर्स लिखे हुए हैं आपने आंसर्स लिख देने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 8, 9, 10 करना है, 11 करना है, और 12 जो है वो बुक पे करना है, पॉज करके आप देख सकते हैं, और ये 12 का रिमेनिंग पार्ट है, और फिर 13, 14, 15, 16 करना है, 17 नहीं करना, 16 तक करने हैं, ठीक है, दैट वाज इट। और ये अब हमारा फर्स्ट टर्म सही मानों में फिनिश हो चुका है, ये एक टॉपिक्स थे जो रह गए थे, अब ये ख़त्म हो चुका है, अब आप लोगों ने मुझे होमवर्क देना है, सबमिट कराना है, और उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी मेरे बताए बगैर शुरू कर देनी है। अगर हम लोगों को एक और एक मंडे मिलता है तो मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी, ठीक है, तो मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी, और अगर नहीं मिलता तो फिर आप लोगों ने आज के दिन ही, मतलब मंडे के दिन ही आप लोगों ने टेस्ट जो है वो याद करना शुरू कर देना, ये चैप्टर आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले वाला सेकेंड, आप लोगों को सेकेंड चैप्टर याद हो गया, थर्ड चैप्टर आप लोगों ने याद करना है, ठीक है, बस कोशिश करें कि पेपर से पहले आप लोग सब कुछ याद कर लें, जो 2 चैप्टर्स आ रहे हैं इनको याद करके टेस्ट दे चुके हों एक दफ़ा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ख़ास तौर पे मैं बता रही हूँ इस वाले पार्ट से, इस वाले यूनिट से मैंने बहुत मुश्किल MCQs बना के देने, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व देम अनलेस यू हैव लिसन टू द लेक्चर एज वेल एज स्टडीड थॉरली द चैप्टर, चैप्टर भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो और लेक्चर भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना हुआ हो, ठीक है, मैं कुछ भी, क्योंकि मैंने जो चीज़ बताई हुई है ऑब्वियसली अगर आप लोगों की बुक में अगर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है और मैंने बताई हुई है, मैं उसका MCQ बना के दे सकती हूँ, ज़ाहिर है मैं इतनी मेहनत फिर क्यों कर रही हूँ लेक्चर देने में, मैंने कोई चीज़ लेक्चर पर बताई है और आप लोगों ने वो चीज़ नोट डाउन नहीं की, आपकी बुक में वो चीज़ नहीं लिखी हुई, मैंने उस चीज़ का टेस्ट लेना ही लेना है, मैं वो MCQ दे सकती हूँ, फिर आप ये मुझे ना कहिएगा कि मैम ये हमारी बुक में था नहीं, आप लोग लेक्चर खोल के एक एक लेक्चर पढ़ा करें, और यही आप लोगों का टेस्ट है, क्योंकि आप लोग लेक्चर खोल के नहीं सुनते हैं, आप लोग बस वो याद कर लेते हैं, वो लिख लिया, क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए,
और अच्छी आप अच्छा आप लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस खोला हुआ है और बस वो प्रिंट करना शुरू हो जाते हैं सारी किताबें। बहुत अच्छी किताब आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, आपको ज़रूरत नहीं है कि वही चीज़ें आप कॉपी पे भी लिख दें, किताब बहुत अच्छी प्रिंटिंग जो प्रेस ने बहुत अच्छी बनाई है। अब आपका काम यह कि आपसे याद करें, अब याद करने के लिए हम आपको लिखवाते हैं और याद करने के लिए हम ये लेक्चर देते हैं, इसलिए नहीं देते कि आप लोग कॉपीज़ करें और हम चेक करें और फिर काउंटर चेक हो और फिर उसके बाद आप पेपर दें, नहीं, ताकि आप याद करें। और अब आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से थॉरली याद करना, और मैंने बहुत मुश्किल एमसीक्यूज़ बना के देने, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे क्योंकि मैंने वो सारी बातें बताई भी होंगी, ये बातें मैंने बताई भी होंगी वो बातें, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि वो बातें बताई भी मैंने होंगी बुक में शायद प्रेजेंट ना हो, या बुक में घूमा फिरा के लिखी हुई हों, या फिर मैं घुमा फिरा के लिख दूँ बुक में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन और मैं घुमा फिरा के उस एमसीक्यू बना दूँ, ठीक है। अभी से आप लोगों को ट्रेन होना है क्योंकि अगली क्लास में 8th क्लास में आप जाएंगे और 8th में आपने प्री 9th पढ़नी है और उधर से आप लोगों का मेडिकल का स्टार्ट हो जाएगा, या कंप्यूटर रखना चाहें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स उनका स्टार्ट हो जाएगा और वो सब कुछ कंसेप्चुअल है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे बहुत मैटर करते हैं, वहाँ पे फिर आप रट्टा नहीं चलता, ठीक है। तो दिस इज़ इट और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।